15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उनका ब्यौरा मांगा था। पूरा ब्यौरा तो नहीं मिला है, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से एक सवाल जानना चाहते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने एक अनुशंसा की कि 17 वैसे राज्य जहां रेवेन्यू डेफिसिट है उन राज्यों के लिए 2,94,518 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब रेवेन्यू डेफिसिट वहां होता है जहां वित्तीय कुप्रबंधन है। जिन राज्यों में वित्तीय कुशलता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है उन राज्यों को इस स्पेशल ग्रांट से वंचित कर दिया गया, जो हमारी समझ से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि कोविड काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को भरपूर मदद किया और जितना संभव था प्रधानमंत्री जी के हाथ में इन्होंने मदद किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो विकासशील राज्य हैं उन पर आर्थिक बोझ पड़ा। बिहार जैसे प्रदेश में भी 2019-20 और 2020-21 में फाइनेंस रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या उसी तर्ज पर बिहार का जो रेवेन्यू डेफिसिट है दो वर्षों का 19-20 का और 20-21 का, उस पर आप स्पेशल ग्रांट देने पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी ने मेरा सीधा सवाल था और पॉइंटेड सवाल था रेवेन्यू डेफिसिट पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को मदद कर रहे हैं और कोविड काल में भी उन्होंने मदद की, यह हमने खुद ही कहा, और भरपूर मदद उन्होंने की। हमने सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट का सवाल पूछा था कि जो 16 फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट वाले स्टेट से 17 उनको जब आपने 2,94,514 करोड़ रुपए का स्पेशल ग्रांट इंसेंटिव आपने उनको दिया, तो बिहार जैसा प्रदेश भी जो सारी मदद के बावजूद भी आज बिहार अगर विकास दर दोहरे अंक में है तो वो अपने संसाधनों के बल पर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मदद की है उसके बल पर है। लेकिन हमारा सीधा सवाल था कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो रेवेन्यू डेफिसिट कोविड काल में हुआ उसके लिए आप उसी तरह तर्ज पर व्यवस्था करेंगे, उसका उत्तर नहीं मिला। खैर, मेरा दूसरा सवाल है कि 15वें वित्त आयोग ने ही अनुशंसा किया है स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स में बिहार के 8 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया और लगभग 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें अनुशंसा किया है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो पहले प्रश्न का मेरा उत्तर नहीं मिला, आप उस तर्ज पर बिहार को भी स्पेशल इंसेंटिव देंगे कि नहीं, और दूसरा कि जो 8 परियोजनाएं पर जो अनुशंसा किया है वित्त आयोग ने, 15वें वित्त आयोग ने, उन योजनाओं की स्वीकृति और राज्य सरकार को कब उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।